नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और ये जो वीडियो है बच्चों बहुत 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 ज्यादा अर्जेंट है और मैं इसे लास्ट होप भी कह सकता हूँ। और लास्ट होप में आपको बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जैसा मैंने सुना है, अगर ये सच है कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑल ओवर इंडिया के और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता भी हैं और वो कल एलन में जा रहे हैं और एलन में जा रहे हैं तो ओब्वियसली ब्रजेश माहेश्वरी जी से जरूर मिलेंगे, एलन के बच्चों से जरूर मिलेंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे वंचित रह गए हैं आईआईटी के पेपर के लिए, जो बच्चे 200 नंबर लाकर भी 43% या 42% उनको दिखाया जा रहा है, जिनका 0 से 99% हो गया है, या बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रॉब्लम आई है, आईआईटी का एडवांस का यानी कि दोबारा मौका तो मिलना ही चाहिए। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो जेईई मेंस है उसका थर्ड अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं और ब्रजेश माहेश्वरी जी भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी वीडियो वहां तक पहुंच जाए तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से अगर मौका मिलता है, जरूर मिल जाएगा आपको, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि आपका जो एनटीए का सिस्टम है सच में वो पूरी तरीके से फेल रहा है और उसके लिए बच्चे अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इसमें डबल ड्रॉपर आ गए, सिंगल ड्रॉपर आ गए हैं, जनरल कैंडिडेट आ गए हैं, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे फंस गए और उन्हें आगे जो है एनटीए से घबराहट हो रही है कि अगर हम नेक्स्ट वीक ड्रॉप लें तो क्या ऐसा ही दोबारा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो मैं ब्रजेश माहेश्वरी से और एलन के सभी बच्चों से जो अगर जिसको भी मौका मिले तो धर्मेंद्र प्रधान जी से जरूर रिक्वेस्ट करिएगा कि वो थर्ड अटेम्प्ट का बच्चों को मौका दें। विद इन 10 डेज हो सकता है, सिंगल डे में हो सकता है, बाय चॉइस हो सकता है, बेस्ट ऑफ थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और उन बच्चों के लिए दोबारा से एडवांस का एग्जाम भी दे दिया जाए। एडवांस का जो एग्जाम है उसने बहुत सारे बच्चों को डिस्ट्रक्ट किया है और एलन जैसे बच्चों को डिस्ट्रक्ट किया है, जो बच्चे पिछले 2-3 साल से तपस्या करते हैं, आप सबको ही पता होगा एलन में कितने अव्वल दर्जे की पढ़ाई होती है और कितने अव्वल दर्जे के बच्चे आते हैं और उनका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है एग्जाम में जिससे वो टूट गए, अपने काम पे नहीं पहुंच पाए, तो ये दोनों एग्जाम जरूर हो जाने चाहिए, है ना। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो कल ये काम हमें होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी